एक बार ब्रह्मा विष्णु और महेश, पहले तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से निकला हुआ कमल उस पर बैठे, माना जी मेरा आधार कौन होगा, ढूंढते ढूंढते परेशान कोई मिले ही नहीं महाराज। आकाशवाणी हुई तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने 1200 वर्ष तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या से उनको इधर उधर ढूंढने से कहीं कुछ नहीं मिला। जिस कमल पर वो बैठे थे वो कमल की नाल भगवान विष्णु की नाभि से निकली हुई थी। भगवान विष्णु को उन्होंने अपने हृदय में ही देखा। भगवान विष्णु की और ब्रह्मा जी की चर्चा हुई। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आधार तो मिल गया तुम हो, पर क्या तुम स्वतंत्र हो कि तुम्हारा भी कोई आधार है? भगवान विष्णु ने कहा ये तो हमें भी पता नहीं है कि हमारा भी कोई आधार है, होना तो जरूर चाहिए, मैं हूं तो मेरा भी कोई आधार होगा। ऐसी बातें ब्रह्मा और विष्णु के बीच में चल ही रही थी, उसी समय वहां पे भगवान शंकर भी आ गए। उन्होंने कहा वही समस्या हमें भी घेरे हुए है, हम भी ढूंढ रहे कि हमारा भी आधार कौन है, पर इस अथाह जल राशि के अलावा और हम तीनों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, पर ऐसा लगता है कि अगर हम हैं तो हमारा होने का कोई कारण भी होना चाहिए। अब वो कौन कारण है उसका पता कैसे चलेगा? इस तरह से ये तीनों देवता खड़े खड़े सोच रहे थे, पर कुछ अनुमान कुछ निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उसी समय इन्होंने आकाशवाणी सुनी और आकाशवाणी सुनकर के जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो देखते क्या है, मां जगदम्बा इनके सामने दर्शन दे रही हैं खड़ी खड़ी। मारे मैया का दर्शन इनको हुआ। मैया मुस्कुरा रही थी और शायद ये समझाना चाह रही थी कि बेटा जो तुम अपना कारण ढूंढ रहे हो, तुम तीनों का कारण मैं ही हूं। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरह मोरी यह माया। पर इतना कुछ कहा ही था और इतना कहते ही मैया तो वहां से अंतर ध्यान हो गई और तीनों देवताओं ने देखा कि इनको बैठने के लिए एक विमान वहां पर उपस्थित हो गया है। तीनों देवता उस विमान पर बैठ गए और जैसे ही बैठे तो मैया फिर से प्रकट हो गई। अब ये मैया के हाथ जोड़ रहे, मैया ने जैसे ही इनको हाथ जोड़ते हुए देखा तो मैया ने उस विमान में फूंक मार दिया। क्या मार दिया? फूंक। जैसे छोटा बच्चा पतंग बना लेता, छोटी छोटी फूंक मार के ही उनको उड़ाने लगता है, ऐसे ही मैया ने जिस विमान में तीनों देवता बैठे थे उस पे फूंक मार दिया महाराज। और जैसे ही फूंक मारा तो वो विमान एकदम उड़ने लग गया और जो उड़ा महाराज, सो अभी तो इनको जल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, पर अब क्या देखते हैं, जो ये सृष्टि हम लोग देख रहे हैं इसी का दर्शन इन तीनों देवताओं को होने लगा महाराज। ये सोच रहे थे कि हम बनाते हैं सृष्टि, हम चलाते हैं सृष्टि, हम करते हैं संहार सृष्टि का। ये कहां के लोग, हम सृष्टि का संहार करते हैं ऐसा सोच रहे थे। पर आश्चर्य में डूब गए तीनों के तीनों, ये सृष्टि तो दिखाई दे रही है, ये पेड़ पौधे, ये कीट पतंगे, ये पशु पक्षी जानवर, ये सब कुछ नदियां तालाब समुंदर पर्वत पहाड़ घाटियां पहाड़ियां वादियां झरने प्रपात, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। तीनों देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हम तो छाती फुला के घूम रहे थे कि ये काम हम ही करते हैं, पर हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम इसी अन्वेषण में लगे हुए हैं कि हमारा कारण कौन है, पर ये तो सब जिसको हम सोचते थे हम बनाते, ये तो पहले से ही बना हुआ दिखाई दे रहा है।
आपस में ऐसी चर्चा कर रहे थे आश्चर्यचकित होकर के, ये सब पहले से ही कैसे बना हुआ है। जैसे ये चर्चा कर रहे थे तीनों उसी विमान में बैठे हुए, फिर से वो विमान उड़ने लगा महाराज। जैसे वायु की गति होती है उस गति से उड़ता हुआ वो विमान चला महाराज और जाकर के स्वर्ग में पहुंच गया। बीच के जो भूवर लोक इत्यादि हैं वो स्वर्ग लोक में जाके पहुंच गया। स्वर्ग लोक में देखा तो स्वर्ग में इंद्र जी बैठे हुए हैं आसन पे, अग्नि वरुण वायु और सारे जितने देवता हैं 33 कोटि देवता सब इंद्र के सामने खड़े हैं। यज्ञ आदि सब कार्य चैत्र रथ नंदन वन सर्वतो भद्र वन इत्यादि सब सुंदर सुंदर वन, सुंदर कल्प वृक्ष वहां पर हैं, मधुर मधुर ध्वनि से भौरे गुनगुन कर रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रही है। अप्सराएं उस लोक में स्वच्छंद विचरण करके सारे वातावरण को सुंदरता प्रदान कर रही हैं। ये सारा दिव्य दर्शन उन तीनों देवताओं को स्वर्ग में हुआ। यज्ञ हो रहे, यज्ञ को इंद्र, इंद्र के यज्ञ के भोगता इंद्र यज्ञ को भोग रहे हैं, ये सारा दर्शन तीनों देवताओं को दिखाई दिया। आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हम तो सोचते थे कि इंद्र के भी मालिक हम ही हैं। ये जितनी सृष्टि है स्वर्ग लोक तक सबके मालिक हम ही हैं। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु जी से, हम तो सोचते थे ये स्वर्ग नहीं, ये जितने हैं अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक वरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ये सब हमने ही बनाए हैं, पर आज तो ये सब अपने आप ही दिखाई दे रहे हैं, फिर ये बनाए किसने है महाराज? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी को, तब और आश्चर्य हुआ। जैसे ही वो विमान वहां से उड़ा महर लोक में गया महाराज, महर लोक में देखा तो सब ऋषि मुनि वहां पर बैठे हैं महाराज। सब ऋषि मुनि वहां पर विराजमान है, अपने अपने अलग अलग तरह की साधना में सब पहले से डूबे हुए हैं महाराज। वहां का दर्शन किया, विमान और ऊपर गया, जन लोक में पहुंच गए। जो समाज की सेवा में लगे रहते पुण्यात्मा निश्चल निष्कपट निष्काम भाव से, उनको इस लोक की प्राप्ति होती है। पर आज ये तीनों देवता देख रहे हैं कि उस लोक में भी सब जो भी जीवात्मा है वो सब अपने अपने कर्म के अनुसार आनंद से रह रहे हैं, जन लोक में भी महाराज। वहां सब दृश्य देखा, उसके बाद जो विमान ऊपर उड़ा महाराज तपलोक में पहुंच गया। तपलोक ब्रह्मा जी ने देखा, तपलोक में बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं महाराज और अपनी अपनी तरह से तपस्या कर रहे हैं। कोई अग्नि में तप रहा है, कोई जल में तप रहा है, कोई खुले आकाश में तप रहा है, कोई वाणी को चुप मौन हो करके बैठा हुआ है, कोई आंख बंद करके बैठा हुआ है, कोई हाथ बांध करके बैठा हुआ है, कोई ज्ञान मुद्रा में बैठा हुआ है, कोई योग मुद्रा में बैठा हुआ है। तरह तरह से वहां पर योग उन सब तपस्वियों को बैठा हुआ देखा। तीनों देवताओं को आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि भैया ये सब तो पहले से ही है, हम लोग सोचते थे कि हम ही ये सब बनाते हैं। ये सब देख ही रहे थे, इतने में वो विमान फिर से तीव्र गति से उड़ा और जाकर के सत्य लोक में पहुंच गया, ब्रह्मा जी के लोक में। अब तो ब्रह्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं, देखते क्या, वहां ब्रह्मा पहले से ही बैठे हैं महाराज। ब्रह्मा जी सोचते थे मैं ही अकेला ही ब्रह्मा हूं, मैं सिंगल मैं ही ब्रह्मा हूं, महाराज यूनिक पर्सन हूं मैं, ब्रह्मा बड़ा अभिमान, ब्रह्मा मैं अकेला ही ब्रह्मा, बस बड़ा अभिमान था ब्रह्मा जी को, मैं अकेला ही ब्रह्मा हूं। पर वहां देखा ऑलरेडी एक ब्रह्मा बैठे हुए हैं और सब ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी ध्यानी जितने भी हैं संसार में देवता इत्यादि सब ब्रह्मा जी के सामने खड़े, हाथ जोड़ करके तरह तरह से विनती स्तुति प्रार्थना वंदना
ब्रह्मा जी की कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के गुणों का गान कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी का तो चार माथे चारे के चारे चकराने लग गए। अरे ये एक तो अलग ही ब्रह्मा बैठे महाराज। तो जब मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है तो मैं तो अभी तक ये सोचता था कि मैं ही संसार की सृष्टि करता हूं। ब्रह्मा जी का अभिमान जाता रहा महाराज। और शायद मैया इसलिए दृश्य दिखा रही थी, ब्रह्मा जी भी दिखाते रहते थे ये दुनिया मैंने बनाई, मैं सृष्टा हूं, मैं विधाता हूं, ये रचनाकार मैं ही हूं। विष्णु भी अपने हाथ चढ़ाते रहते थे, हाँ ब्रह्मा ने बना भले ही दिया है पर इसको चलाता तो मैं ही हूं, इसका पालन पोषण तो मैं ही करता हूं, इसकी देखभाल की ड्यूटी तो हमारी ही है। हम अगर इसकी देखभाल न करें तो ब्रह्मा जी बना भी दें तो चलेगा कैसे। इसलिए इस सृष्टि का संचालक मैं हूं, ऑपरेटर जनरेटर। ब्रह्मा जी सोचते मैं जनरेटर हूं, जनरेटर माने उत्पन्न करने वाला। अंग्रेजी में कहते ना गॉड, GOD गॉड। ब्रह्मा जी सोचते जनरेटर में हूं, विष्णु जी सोचते ऑपरेटर, GO ऑपरेटर में हूं, अनि शंकर भगवान भी छाती ठोकते ही रहते हैं डिस्ट्रॉयर तो मैं ही हूं, तुम दोनों का काम तमाम हमें ही कर देते हैं शंकर भगवान। इसलिए मैया ने तीनों को इकट्ठा बिठा लिया कि अलग अलग कहां मार्केट में ले जाएंगे, इनको इकट्ठे ही बिठा लो महाराज। तीनों को इकट्ठा बिठा लिया जिससे तीनों का एक साथ समाधान हो जाए, और जो विमान वहां से उड़ा तो जाकर के वैकुंठ में पहुंच गया महाराज, विष्णु लोक में। वहां जाकर के देखा तो विष्णु का अभिमान भी चला गया, वहां एक अलग ही विष्णु बैठे हैं, दूसरे एक अलग ही लक्ष्मी बैठी हैं महाराज, दो ही बैठे हैं, नहीं संसार के पालन का काम संभालने में भगवान विष्णु लगे हुए हैं। अब एक विमान में बैठे नहीं, एक वहां बैठे, तो विमान में बैठे वाले का अभिमान चला गया महाराज, विष्णु का अभिमान चला गया, एक और विष्णु बैठे हैं। और जो ये विष्णु करते वही सारा काम वो भी कर रहे हैं। ये सब दृश्य वहां पर देखा ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अच्छा एक चीज और होगी मैया के दिमाग में कि तीनों का काम तीनों को दिखाना जरूरी है। अब वो विमान जाकर के कैलाश पर पहुंच गया, वहां जाकर के देखा तो शंकर भगवान बैठे हैं महाराज, अंधी नंदी श्रृंगी विरंगी सब भीड़ भाड़ भूत भूत सब सबको घेर के महाराज अब बैठे। मीटिंग शंकर भगवान की भी चल रही वहां पर। अब इधर विमान में भी बैठे थे शंकर भगवान, जो देखा कि हू बहू एक और बैठे हैं हमारे ही जैसे ही बिल्कुल बैठे। अब तीनों के दिमाग में ये चलने लगा कि यार ये बताओ अपन इधर बैठे ये वाले सही हैं कि वे उधर बैठे वे वाले सही हैं, सही कौन से हैं। सही कौन से हैं, ये तीनों के दिमाग में क्वेश्चन आया, समाधान कुछ नहीं था तीनों के पास में। हम में से ये वाले सही कि वो वाले सही, बस ये बात तीनों के दिमाग में घूमने लग गई। ये बात जैसे ही आई ही थी दिमाग में वो विमान वहां से फिर उड़ा और ऊपर चला गया। वहां जाकर के एक दिव्य लोक का दर्शन हुआ महाराज। उस दिव्य लोक में सुंदर सुंदर सी नारियां स्त्रियां बिल्कुल स्वच्छंद मस्त आनंद मगन होकर के विचरण कर रही, इधर से उधर विचरण कर रही हैं सब। और वहीं पर एक बीच में दिव्य विराट पलंग, दिव्य पलंग चिन्मय पलंग लगा हुआ है, कई गद्दे पलंग पोस तकिए लोट वोट सब लगे हैं महाराज। और उसी पलंग पर एक अनंत सूर्यों की आभा प्रभा से मंडित एक देवी बैठी हुई है महाराज, एक देवी विराजमान है। इन तीनों देवताओं ने दूर से देखा,
उस जगमगाते हुए लोक को देख करके ये चकराने लगे कि अब किधर जाएगा ये विमान, पता नहीं भगवान जाने। और जैसे ही वहां पहुंचे ही थे, उस लोक की सीमा के बाहर ही थे, विमान नीचे आ गया वहां पर। अब तीनों उसमें से उतरे, मैया दूर से दिख रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे अपनी मुस्कुराहट से तीनों को बुला रही थी। पर जैसे ही तीनों ने उस क्षेत्र में पांव रखे, पांव रखते ही तीनों स्त्री हो गए। महाराज, उस लोक में कोई पुरुष जा नहीं सकता। जैसे ही तीनों ने प्रवेश किया तो तीनों स्त्री बन गए। महाराज स्त्री बन करके गए मैया के सामने, मैया मुस्कुरा रही थी तीनों को देख करके, तीनों हाथ जोड़े खड़े थे। मैया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर एक देवी का दर्शन मुझे हुआ था, उनने एक विमान उपलब्ध कराया, हम तीनों उसी में बैठ गए और उन्होंने फूंक मात्र मारा था तो हम वहां से चले, मृत्यु लोक से चल के यहाँ दिव्य लोक तक आ गए। इस बीच में हमने जने क्या क्या नहीं देखा है, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सत्य क्या है। मैया मुस्कुरा के कह रही थी, सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य सिर्फ मैं हूं। बस मैं ही सत्य हूं। बस ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के अभिमान सहित सब कुछ अपने आप को समर्पण कर दिया, पुरुष बन के गए थे, वहां जाके स्त्री बन गए। मैया ये बताना चाहती है कि मैं ही स्त्री बनती हूं और मैं ही पुरुष बनती हूं। अगर ब्रह्मा भी बनी हूं तो कोई और नहीं, मैं ही बनी हूं। अगर ब्रह्मा पुरुष ही कोई अलग पर्सनैलिटी होते तो ब्रह्मा वापस स्त्री नहीं बनते। महाराज मैया ने तीनों देवताओं को यही ज्ञान दिया है और कहा है, ये तुम्हारे मन में जो उलझन चलती है कि मैं कौन हूँ, नहीं कहाँ से आया हूँ, नहीं क्या हूँ, नहीं कौन मेरा कर्ता धरता है, कौन मालिक स्वामी है, किसकी इच्छा, सब ये सब समाधान इसी में है। तुम हो ही नहीं असल में, बस मैं ही मैं हूँ। तुम अपने आप को मुझ में विलय कर दो, मिला दो, बस तुम मुझसे मिल जाओ, तुम मुझसे एक रूप हो जाओ। जब दो मिलके एक वरन भय तो सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। यही ज्ञान उन तीनों देवताओं को मैया ने दिया है। महाराज वो तीनों देवता धन्य हो गए हैं, सब तरह के शंकाओं का समाधान हो गया है। मैं था तो क्वेश्चन थे, जब मैं हूं ही नहीं तो क्वेश्चन काय का है।